इसके बाद आपका यहाँ पे एडिटिंग का काम लगभग लगभग खत्म हो चुका है। आपको फोटो मिल गया, आपने क्वाट लिख दिया उस पर और पीछे का बैकग्राउंड मिल गया। हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उमेश और आप देख रहे हैं उमेश जोशी व्लॉग्स। तो गाइस, आज है 10 फरवरी 2022 और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 हो रखे हैं। तो मैं तैयार वगैरह हो चुका हूँ, अभी ट्यूशन जानता हूँ। सुबह सुबह तो ठंड बहुत हो रही है, तो अभी रोटी पानी खाते हैं और उसके बाद चलते हैं ट्यूशन के लिए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा धुंध अंधेरा भी हो रखा है बाहर। अभी योगेश नहाने गया हुआ है और मैं नहा वगैरह के आ चुका हूँ। तो चलते हैं, फिर रोटी खाते हैं और चलते हैं ट्यूशन और आपको मिलते हैं सीधा घर आके। सो गाइस, आज बनी है आलू मेथी की सब्जी, रोटी, दूध और खाना। इस यही आज का खाना सुबह का। और अभी हमें खाना है खाना और उसके बाद है ट्यूशन पे जाना। तो चलते सीधा। हे गाइस, मैं आ चुका हूँ स्कूल से घर और अभी बज रहे हैं 3 बज चुके शाम के। और अभी धूप एकदम बढ़िया आ रखी है, मस्त वाली एकदम खतरनाक धूप आ रखी है, एकदम खतरनाक धूप आ रखी है। तो अभी मैं छत पे आया हुआ था क्योंकि नीचे भी बच्चे भी आए हैं वैसे, और अभी थोड़ी देर में मेरे को ट्यूशन पे जाना है। तो दादी और मम्मी और तो आराम कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर सोए हुए हैं। और अभी गाइस, मेरे को कल बहुत कमेंट आए थे, दो कमेंट आए थे कि ये जो मैं मोटिवेशन क्वार्ट्ज डालता हूँ उसका ट्यूटोरियल कैसे बनाते हैं, उसे वो पूछ रहे थे। तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो करता हूँ फिर मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन। एक गाइस, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। अब मेरे को सबसे पहले ओपन करना है एक, इसमें आपको दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक का नाम है पिक्सआर्ट और दूसरे ऐप का नाम है फेक ट्वीट। तो सबसे पहले हमें खोलना होगा फेक ट्वीट। हाँ, अगर आपके पास असली ट्विटर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं ट्विटर यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं फेक ट्वीट का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट ट्वीट करना है। क्रिएट ट्वीट करने के बाद यहाँ पे जो आपको पिक्चर से दिख रही है इस पर क्लिक करना है और आप कोई भी अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगानी है प्रोफाइल पे। तो जैसे कि मैं ये चूज़ कर लेता हूँ इस पिक्चर को। ये देखिए, हो चुका है, ये मैंने ये कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है अपना नाम, लिखना पड़ेगा जैसे मैं लिख देता हूँ उमेश जोशी के ब्लॉग्स, डन करके। उसके बाद यूज़र नेम डालना है आपको। यूज़र नेम आप वही डालिए जो आपकी इंस्टाग्राम की आईडी पे है, UMESH। डन हो गया। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ लिखा है, बैक टू वर्क, वर्क मेड ऑन। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इसे पहले कट कर देना है जो भी लिखा है। और उसके बाद फिर जो भी आपने कॉपी कर रखा होगा या जो भी आपको थॉट वगैरह लिखना है या जो भी चीज़ है आपकी, वो आपको यहाँ पे लिख के डन कर देना है। डन करने के बाद सबसे सिंपली आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको सेव करना है वैसे तो आप सेव भी कर सकते हैं। मैं ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते हैं सबसे पहले। बस हो गया आपका, यहीं पर काम ख़त्म हो गया लगभग आधा। और उसके बाद जाते हैं हम दूसरे ऐप पर जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो भी हम गए हैं पिक्सआर्ट पे। अब पिक्सआर्ट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसे ऑन होने देना, वरना कुछ मत करना, बेफालतू में दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही ऑन होता है इसका, ये इंटरफेस तो अच्छा है पर उतना अगर आपको साइन इन वगैरह करना हो तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं करता। तो फिर हमें सर्च करना है इंस्टाग्राम क्वार्ट्स लिखते ही आ जाएगा आपके पास। और क्वार्ट्स लिख के फिर आपको जाना है इमेजेस पे। इमेजेस पे जाके जो भी आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करिए। और अगर आप मेरी बात माने तो पीछे अगर जितना फिक्का हो बैकग्राउंड उतना ही अच्छा रहता है। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, ये पीछे ईद का चांद जो भी है मतलब इसे सेलेक्ट करिए। रिमिक्स पे क्लिक कर देना है। रिमिक्स का मतलब यहाँ पे डाउनलोड से है। और डाउनलोड करने के बाद फिर कट कर देना है, ये भी ऐड वगैरह आते हैं। तो उसके बाद सीधा खुल जाएगा आपका ऑप्शन, मतलब एक इंटरफेस सा खुलेगा। इंटरफेस पे खुल के बाद आपको ऐड फोटोज़ पे करना है और गैलरी से जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था अभी अभी उसे ऐड करना है। उस एक मिनट में, सॉरी गलती से हाथ आ गया था कैमरे पे। तो उसके बाद ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको अब इसे क्रॉप करना है, फिर जितना आपको रखना है। तो रखने के लिए मैं इसे अच्छी तरह से सिंपली क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद टिक कर देना है। फिर आपको इसे करना है जितना भी आपको बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं। और कर देते हैं अब हम इसे ब्लेंड करना है, हमें ब्लेंड करके मल्टीप्लाई जो भी है ये कर देना है। बस आपका गाइस यहाँ पे काम समाप्त हो गया है।
और यहाँ पे कर देना डन, डन करके सेव हो गया, ख़त्म। बस यहाँ पे आपके सेव हो गया, अब आपका ये काम पूरा हो चुका है। अब के बाद आपका यहाँ पे एडिटिंग का काम लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है। आपको फोटो मिल गया, आपने क्वार्ट लिख दिया उस पर और पीछे का बैकग्राउंड मिल गया बढ़िया सा। अब आप जो भी ऐप हो उस ऐप में जाएं, और मतलब एडिटिंग का ऐप है उस ऐप में जाके आप इसमें इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, साउंड वगैरह डाल सकते हैं, और 15 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटे जितना मर्जी लंबा खींचना है, जितना दिमाग ख़राब करना है उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कीजिए। और यहीं पर इसका ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत मतलब ट्यूटोरियल बहुत पसंद आएगा, वीडियो तो और भी लंबी बनाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में मेरे को जाना है ट्यूशन पे, और धूप भी हो रही है, तो अभी आज हमारा स्कूल का टाइमिंग भी चेंज होगी। पहले थी हमारी 9 बजे, 9:30 बजे पहुँचना होता था, अब हमें पहुँचना है 8:45 पर, और छुट्टी होगी 1:30 बजे। बिना ब्रेक के लगातार क्लासेस लगाएंगे हम, और कोरोना महाराज की अब हम क्या ही कहें, कोरोना महाराज आपसे एक वो निवेदन है, आपके भक्तों पर संकट छाया हुआ है, पेपर आने वाले हैं, कुछ अपनी दया वगैरह दिखा दीजिए। ये तो मैं मजाक के लिए बात कर रहा हूँ, पर पेपर होने चाहिए, पेपर नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो उसको छोड़ते हैं। और मम्मी ऐसे देख रहे हैं मेरे को, मम्मी को गुस्सा आ रहा है कि ये भी फालतू में ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है। वो तो मैं इनको बस थोड़ा सा हंसाने के लिए कह देता हूँ, हंसता तो कोई कोई है। और गाइस तो अभी चलते हैं नीचे और मिलते हैं आप थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा है अंदर, और बच्चे भी आए हुए हैं ट्यूशन के पढ़ने के लिए, कल आए थे, कल तो चले गए थे जल्दी, और मेरे पे कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं। अभी ये भी पढ़ रहा था और वो भी पढ़ रहा था, तो मैं ऐसे जब कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपने हाथ से बना लेता हूँ। तो 2 फ़ोन मेरे हाथ में थे, तो आई होप कि मतलब अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की अच्छी सी वीडियो बनाने की, तो आप देखते हैं। और अभी मिलता हूँ आपसे ट्यूशन से आने के बाद, मतलब अभी जाते हुए मिलूँगा। कि आपको आज के ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, बस वो जो ट्यूटोरियल था वो मैंने बताया आपको, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वैसे मेरा इतना ज़्यादा आता नहीं मेरे को बताना किसी को कि कैसे करते हैं, तो एडिटिंग आप वैसे किसी भी ऐप में कर सकते हैं। और अभी मैं ट्यूशन से भी आ चुका हूँ, 7:30 हो चुके हैं, तो अभी जुदोती करता हूँ, उसके बाद एडिटिंग करते हैं। और अभी मैंने एक शॉर्ट अपलोड कर दिया है, जो मैंने वीडियो में जिसका ट्यूटोरियल दिया वही अपलोड कर दिया दरअसल मैंने, और वो तो आपने देख ही लिया होगा आप में से कुछ लोगों ने अभी तक, क्योंकि कब हो चुका है अपलोड, वो थोड़ी देर पहले हो कर दिया था। और तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।